मेरा नाम दया कृष्ण है। मेरे को 2-3 साल से पहले हल्का हल्का सिर दर्द होता था, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, कभी कभार चक्कर से भी आते थे। फिर मैं मेट्रो हॉस्पिटल हमारे नज़दीक ही पड़ता है, हॉस्पिटल दिखाने आए। दया कृष्ण जी जब हमारे पास में आए तो उनको काफ़ी सरदर्द हुआ करता था और ये सुबह के समय ये ज़्यादा हुआ करता था और उल्टियाँ भी होती थीं और बीच बीच में उनको दौरे भी पड़ते थे। हमने उनका MRI करवाया तो दाईं साइड में, दिमाग के दाईं साइड में एक बहुत बड़ा ट्यूमर पाया गया। इसको हम लोग मेनिन्जियोमा कहते हैं। मेनिन्जियोमा दिमाग का सबसे कॉमन बिनाइन ट्यूमर है। तो आकाश मिश्रा जी ने सारे टेस्ट कराए, जो भी टेस्ट होने हो इस संबंधित बीमारी में, और अंत में निजर्ल ये निकला जो है। तो जब 2-3 दफ़े और भी टेस्ट कराए, बाद में ऑपरेशन के लिए सजेशन दिया कि इनको शुगर भी था, थायराइड भी था, उस वजह से थोड़ा बहुत डॉक्टर नहीं कर सकते, तो वो भी हमने करवाया। बीच में जब कम हुआ उसके बाद फिर मतलब काफ़ी रिस्की ऑपरेशन था। खुद डॉक्टर आकाश मिश्रा जी ने बताया था कि ये मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है, इतना बड़ा मतलब एक दिमाग के अंदर ट्यूमर था। तो हमने सारी चीज़ें समझा करके और जांचें करा करके इनका हमने ऑपरेशन के लिए लेके गए। ऑपरेशन में हमने एक दिमाग की हड्डी हटाई और वो ट्यूमर निकाला और ईश्वर की दया से ट्यूमर पूरा निकल गया। तो ऑपरेशन करा लिया, ठीक रहा, अभी ठीक है, करीब 10 महीने हो गए मेरे को, कोई दिक्कत तो अभी आई नहीं है। भगवान से प्रार्थना है उनको बहुत सफलता मिले, मेरे जैसे और पेशेंटों को भी वो स्वस्थ करके नई जिंदगी दें। और उसके बाद में आप जैसा देख सकते हैं कि दया कृष्ण जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑपरेशन के बाद में भी बच्चों के साथ खेलते हैं, खाना बनाते हैं, काम करते हैं, सुबह टहलने जाते हैं। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद ही प्योरली बोल भी पा रहे थे तुरंत और एकदम से डिस्चार्ज भी हो गए थे। तो यहाँ की जो सुविधाएँ फैसिलिटीज़ समझ लीजिए कि इनको एक नया जीवनदान मिला है। तो बहुत आकाश मिश्रा जी की तरफ से हमें बहुत मतलब हमारे लिए तो समझ लीजिए कि हम तो हाटली ये है कि वो हमारे लिए तो भगवान ही है। ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो हम जो ये दिमाग में ये डर है कि ब्रेन ट्यूमर होने के बाद में ज़िंदगी का अंत हो जाता है, ये ऐसी कोई बात है नहीं। सही समय पे अगर आप डॉक्टर के पास पहुँचेंगे और ऑपरेशन के बाद में सब कुछ सही होने की काफ़ी गारंटी रहती है, काफ़ी उम्मीद रहती है, इसमें घबराने की जैसी कोई बात नहीं होती, जैसा कि आप एक इनसे आप सीख सकते हैं, जय कृष्ण जी से।